नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम दिल्ली से बता रहे हैं, जो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है। और सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। इस बार मामला दिल्ली सरकार के बजट पर आकर टिक गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली सरकार का बजट पेश होने से पहले ही रोक दिया गया है। इसको लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, तो गृह मंत्रालय की ओर से भी बड़ा दावा किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 2023 और 24 के बजट में लिमिट से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च का प्रावधान किया है, जिस कारण बजट पर रोक लगा दी गई है। और इसको लेकर मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को स्पष्टीकरण भी मांगा है। दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो इस समय की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार का बजट पेश होने से पहले ही रोक दिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में झूठ बोल रही है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो बजट तैयार किया गया था, उसमें विकास कार्यों से ज्यादा खर्च विज्ञापन पर किया जा रहा था। इस पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई और केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि जब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो मंत्रालय की तरफ से बजट पर रोक लगा दी गई। मीडिया रिपोर्टर्स का कहना है कि गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को बजट के प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी, इसको लेकर ये रोक लगाई गई है। तो इस समय की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार का बजट पेश होने से पहले ही रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने रोक लगाई है और स्पष्टीकरण मांगा है। इस समय की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जो सबसे पहले आप तक पहुंच रही है। इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ।